नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। बुल्ली बाई ऐप इन दिनों काफी विवादों में है। इस ऐप पर मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन बोली लगाने, उनके खिलाफ नफरत फैलाने और उनकी तस्वीरों से छेड़छाड़ करने के साथ ही भद्दी बातें लिखने का आरोप है, जिसको लेकर अब मुंबई पुलिस एक्शन में है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में मास्टरमाइंड श्वेता को उत्तराखंड से गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही उसके एक साथी विशाल कुमार को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है, जिसे कोर्ट ने 10 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन है श्वेता सिंह। श्वेता सिंह उत्तराखंड की रहने वाली है, जिसे इस केस का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। श्वेता ने ही बुल्ली बाई ऐप पर महिलाओं की तस्वीरें अपलोड की थी। श्वेता की उम्र सिर्फ 18 साल है। उसे उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से गिरफ्तार किया गया। श्वेता के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। पिछले साल उसके पिता की कोरोना से मौत हो गई थी, जबकि माँ पहले से कैंसर की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। उसकी एक बड़ी बहन है जो कॉमर्स से ग्रेजुएट है, जबकि एक छोटी बहन और भाई है जो अभी स्कूल में पढ़ते हैं। खुद श्वेता इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही थी। जानकारी के मुताबिक श्वेता नेपाल में स्थित एक सोशल मीडिया फ्रेंड के निर्देश पर यह काम कर रही थी। जांच दल के सूत्रों ने कहा है कि बुल्ली बाई ऐप मामले में पकड़ी गई श्वेता सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक जियाऊ नाम का एक नेपाली नागरिक उसको ऐप पर की जाने वाली गतिविधियों के बारे में निर्देश दे रहा था। फिलहाल पुलिस कथित तौर पर नेपाली नागरिक और श्वेता से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। वहीं विशाल ने कहा है कि वो श्वेता के संपर्क में था और श्वेता उन लोगों के संपर्क में थी जो बुल्ली बाई ऐप से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर काम कर रहे थे। वो नेपाल में बैठे किसी शख्स से निर्देश ले रहे थे। श्वेता सिंह जट्टा खालसा 07 नाम के एक नकली ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल कर रही थी। इस हैंडल से नफरत भरे पोस्ट और आपत्तिजनक तस्वीरें पोस्ट किए जा रहे थे। बुल्ली बाई ऐप पर ट्विटर और फेसबुक पर दमदार मौजूदगी रखने वाली 100 महिलाओं को टारगेट किया गया। बुल्ली बाई नाम के ऐप पर मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। ऐप पर उनके खिलाफ नफरत और गंदी गंदी बातें लिखी जा रही हैं। दरअसल बुल्ली बाई ठीक उसी तर्ज पर काम करता है जिस तर्ज पर कुछ दिन पहले सुल्ली डील्स ऐप आया था। सुल्ली डील्स को गिटहब पर लॉन्च किया गया था, अब बुल्ली बाई को भी गिटहब पर लॉन्च किया गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।